हाय फ्रेंड्स, मैं सनन मोटर सहरी सो फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे सनन मोटर वर्कशॉप में। देख सकते हैं आप, ये जो गाड़ी है रेनॉल्ट की पल्स है, और देख सकते हैं जो इसके फोटो जो आपको या फिर जो इमेज जो आपको दर्शा रही है वो इसकी जो कंडीशन बता रही है कि ये कम से कम भी 3-4 महीने से पड़ी हुई थी गाड़ी, और इसमें जो वर्क हुआ है काफ़ी लंबा चौड़ा वर्क हो गया है। क्योंकि क्या है कि चूहों ने इसकी वायरिंग काफ़ी डैमेज कर दी, इस चक्कर में इसकी ECM की प्रोग्रामिंग वगैरह सभी चीज़ उड़ गई थी। ओवरऑल ये इंजन का काम होने के लिए आई थी तो हमारे पास में गाड़ी टो के आई थी, और जब हमने इसका काम करा तो सिस्टमेटिक धीरे धीरे काम काफ़ी आगे तक चलता रहा। तो देख सकते हैं ये काफ़ी गंदी पड़ी हुई है गाड़ी, तो अभी वॉशिंग पे ही है। और ये देख सकते हैं आप, ये इंजन हम इसका जब ये हमारे पास में आई तो इसका इंजन भी ओवरऑल हमने किया, तो इंजन में भी देख सकते हैं इसकी जो ब्लॉक की जो कंडीशन थी, जब ब्लॉक का जो हिस्सा था नीचे वाला मोमेंट वो कट चुका था, इसलिए हमने क्या है इसको देख सकते हो जैसे पीतल का माल जो हमने इसमें भरवाया है उसके बाद में इसको टर्न करवाया, मतलब कह सकते हैं कि जो ब्लॉक डालने की कंडीशन थी उसको रिपेयर करके ओवरऑल करके हमने इसके इंजन के वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ दें ये वीडियो आगे भी बताते जाएंगे कि इसमें और क्या क्या वर्क होता गया, धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो लंबी ना हो उसी चक्कर में हम इसको टाइमलेस पे डाल के एंजॉय द वीडियो।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो इसका ECM था, तो जब हम लोगों ने इसमें प्रोग्रामिंग करी तो बात बननी पड़ी, काम हुआ नहीं, तो हमने फिर दूसरा ECM और इसका फ्यूज बॉक्स, इसका BCM, इसका कीलेस मीटर पूरा ही सेट मंगवाया। और पूरा सेट मंगवाने के बाद में भी इस को जब हमने इसको लगाया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो आगे देखते रहिए वीडियो के अंदर कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें इसके अंदर हम बताएंगे। ये देख सकते हैं पूरा किट मंगवाया था मैंने, बाकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई इस पर भी। ये देखते रहिए, ये अभी हम इसका जो फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स लगा रहे हैं, मीटर लगा रहे हैं, सारी चीज़ें लगाएंगे। बाकी फ्यूज बॉक्स पे, मीटर पे, मतलब सारी चीज़ें लगाने के बाद भी बात नहीं बन पाई दोस्तों। ये दोस्तों देख सकते हैं इसका फ्यूज बॉक्स है, ये फ्यूज बॉक्स लगाया जा रहा है इसका। और ये अंदर से इसका BCM चेंज किया हमने। ये इसका स्मार्टा, ये इसका कीलेस, ये इसका पुश बटन, ये पूरा ही ओवरऑल हमने किट मंगा लिया था। ये इसका कीलेस, ये देख सकते हैं मीटर पे सारी लाइट आ गई है, बाकी चेक लाइट नहीं आई इसमें। ये चेक लाइट नहीं आने के कारण फिर से हमने ECM को और इसका जितना भी पूरा जो किट था वो उसको सबको अलग हटाया। ये देख सकते हैं आप, ये इस पे चेक लाइट आ ही नहीं रही है, जो चेक लाइट आनी चाहिए वो आ ही नहीं रही है। फिर हमने जो हमारा पुराना ECM था उसी में प्रोग्रामिंग करी, उसी को कंप्लीट करा। ये देख सकते हैं ये इसमें प्रोग्रामिंग की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट की जा रही है। ये देख सकते हैं ये तो दोस्तों फाइनली हमारी ये जो ECM और BCM की जो प्रोग्रामिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हमारी ओवरऑल गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है।